हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश जनवा, इंग्लिश ट्रेनर। आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। शुरुआत 10,000 सब्सक्राइबर के साथ, ये एक बहुत बड़ी फैमिली। आप सबका प्यार हमेशा मिलता जा रहा है और वो प्यार से ही हमें एक नया जोश और जुनून मिलता है आपके साथ कुछ नया कंटेंट शेयर करने का। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए ही आज ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल टिप्स आपके साथ शेयर करता रहा हूं। आज का जो मैंने प्लान किया टिप की, लर्निंग और अर्निंग, इन दोनों के ऊपर कितने लोग फोकस रहते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया में लोग लर्निंग को ज्यादा तवज्जो देते हैं या अर्निंग को ज्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए, मैं एक रिसर्च बता रहा हूं, अधिकतर लोग लर्निंग तो करते हैं स्कूल कॉलेज तक और जैसे ही जॉब लगता है उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स, अधिकतर लोग जॉब पे लगने के बाद उनकी लर्निंग बंद मींस जिंदगी में कुछ नया नहीं सीखते हैं, कोई बुक्स नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है कि अब मुझे 20-30-40-50 या 1-2 लाख सैलरी मिलने लग गई है, अब मेरी लाइफ सिक्योर है। अभी इस लॉकडाउन के बाद कई सारे लोगों को जब फायर किया गया तब उनको रियलाइज हुआ कि जिंदगी में मेरे पास वो ऑप्शन था, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो पहले अर्निंग पे फोकस्ड था, लर्निंग पे फोकस नहीं था। और जो लोग ये कहते हैं ना, सर टाइम नहीं मिलता है, मैं इसको एक्चुअल में एक्सक्यूज मानता हूं, बहाना मानता हूं। हर शख्स के पास टाइम होता है, वो मोबाइल में अनप्रोडक्टिव चीज देखता है, नॉन प्रोडक्टिव वीडियोस देखता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, डेली सोशल मीडिया पे हो सकता है घंटे दो घंटे वो टाइम बर्बाद कर देता है, लेकिन वो लर्निंग को तवज्जो नहीं देता है। अब मेरी बात लर्निंग को लेकर ध्यान से सुनिएगा। लर्निंग का मतलब वो नहीं कि आपने सिर्फ एग्जाम दिया, पास हुआ और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, जी नहीं। लर्निंग का मेरा मतलब बहुत सारी चीजों से। सबसे नंबर वन पे आता स्किल्स, आपके अंदर कितने प्रकार के स्किल्स हैं, या जॉब कर रहे हो वही स्किल है या उसके अलावा और भी कोई स्किल है जिसके माध्यम से यदि आपका जॉब चला भी जाए तो उस स्किल के बिहाफ पर आप फिर अपनी लाइवलीहुड को खड़ा कर सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा संवेदनशील है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति, ऐसे बहुत कम लोग हैं मेरी लाइफ में, मैंने लोग देखे हैं 5-10% मैक्सिमम जो जॉब लगने के बाद भी अपनी लर्निंग से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो सीखते रहते हैं। हमारे टाइटेनियम में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, कैन यू बिलीव स्टूडेंट्स, कि वो उनका अच्छा खासा अर्निंग है, 70-80,000, 1 लाख अर्निंग है, सब कुछ वेल सेटल है, लेकिन फिर भी कहते हैं सर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। लेकिन लर्निंग के अंदर भी जो जुनून होता है लर्निंग का, वो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। जैसे टाइटेनियम के अंदर हम लोगों ने करीब करीब 2,500 स्टूडेंट्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है और हम जो भी नया वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। बट कैन यू बिलीव कि उसमें से मोटा मोटा 50-60 लोग उन वीडियोज को देखते हैं और उन 50-60 में से भी 8-10 लोग उसके ऊपर जुनून के साथ मेहनत करते हैं। तो ये वो कैटेगरी है जो लर्निंग को तवज्जो देती है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो मैं प्रत्यक्ष देख पा रहा हूं अपने चैनल पर गाइस। और वैसे कई सारे स्टूडेंट्स में बार बार उनकी वीडियोस में नाम लेता हूं, लक्षराज सिंह है, राम सिंह जी है, कुछ समय पहले मिस्टर डालचंद थे, सीमा मैम है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स, शायद मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं सबके, तो वो जुनून दिखता है। अब देखो 2,500 लोगों को मैं भेजता हूं लिंक क्लास का और जो काम करने वाले, जो एक्शन दिखाने वाले, कहावत है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, काम से ज्यादा इंसान, शब्दों से ज्यादा काम तेज बोलता है। तो आप लोग इस वाले से समझ सकते हो जो यहां हो रहा है वो सब जगह हो रहा है। इसलिए अर्निंग अपने आप हो जाएगी यदि लर्निंग बंद नहीं करोगे। आज के सेशन का मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज लर्निंग कभी बंद ना करें, कुछ भी सीखते रहिए, चाहे अभी उसकी जरूरत आपको नहीं हो, जब भी आपको नॉन प्रोडक्टिव टाइम हो, संडे हो, आप सीखते रहिए और वो सीख आपको आज नहीं तो 5-10 साल बाद कहीं ना कहीं आएगी, और काम नहीं भी आएगी तो आपको परिपक्व बनाएगी, मैच्योर बनाएगी। ये लर्निंग की कमी की वजह से ही दुनिया में लोगों की लड़ाइयां होती हैं, मतभेद होते हैं, क्योंकि वो भी लर्निंग है लेकिन वो नेगेटिव लर्निंग है। नेगेटिव आर्ग्यूमेंट के साथ यदि आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो नेगेटिव लर्निंग होगी। यदि पॉजिटिव लर्निंग, आप बुक्स पढ़िए, आप दूसरों को काम को समझने का प्रयास कीजिए, अपनी खुद की एनालिटिकल स्किल्स उसमें रखिए, यार ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, दूसरों के एक्सपीरियंस को सुनिए और उसे कंपेयर करते हुए खुद के ऊपर अप्लाई कीजिए कि उसने ये गलती करी, मुझे नहीं करनी है। अनगिनत पॉइंट है गाइस,
गाइस, अनगिनत लर्निंग के ऊपर मैं जितनी देर आपको एड्रेस करना चाहूं कर सकता हूं, लेकिन समय की कमी है क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर्स लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। लेकिन छोटा सा मेरा प्रयास था कि लर्निंग को आप तवज्जो दें। अधिकतर लोग अर्निंग को तवज्जो देते हैं, लर्निंग को यदि आप सच में रेस्पेक्ट करते हो, उसको कंटिन्यू रखोगे तो अर्निंग अपने आप हो जाएगी फ्यूचर में। गाइस, कैसा लगा आज का सेशन? अपने विचार जरूर फीडबैक कमेंट बॉक्स में रखें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और लेक्चर्स और वीडियोस बनाए जाए तो भी आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में रखें। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपके लिए ऐसे छोटे छोटे मोटिवेशनल लेक्चर्स आपके सामने प्रस्तुत करता रहा हूं। इनफ फॉर टुडे, आज के लिए पर्याप्त। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा भी मिशन है लोगों तक पहुंचाना ज्ञान को, तो आप इन वीडियोस लेक्चर्स इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। टेक केयर। थैंक यू।